गुलबर्गा शहर के आवाम के लिए खुशखबरी, अब शहर से 10 मिनट की दूरी पर एशियन फन वर्ल्ड ओपन होने जा रहा है, जहां आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। गुलबर्गा शहर में सब कुछ तो मौजूद है, पर जब बात एंजॉयमेंट और पिकनिक की आती है तो 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर तय कर हैदराबाद और दीगर जगहों पर जाना पड़ता था। लेकिन अब एशियन ग्रुप ने गुलबर्गा शहर को एंजॉयमेंट देने के लिए एशियन फन वर्ल्ड लॉन्च किया है, जहां इंटायर फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। एशियन ग्रुप किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इन्होंने गुलबर्गा शहर को पहला मॉल दिया था और अब पूरे नॉर्थ कर्नाटक के लिए पहला फन वर्ल्ड ओपन किए हैं। एशियन फन वर्ल्ड गुलबर्गा हमनाबाद रोड टावरगिरा के करीब मौजूद है, जिसका इनॉग्रेशन 15 अगस्त शाम 7 बजे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे के हाथों किया जाएगा। इस मौके पर कर्नाटका मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल, ईश्वर खंडे, रहीम खान, शरण बसप्पा दर्शनापुर, गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कन्नीस फातिमा, साउथ एमएलए आलम प्रभु पाटिल और दीगर पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स और शहर के दानिशमंद हजरात मौजूद रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल फायर वर्क शो के जरिए एशियन फन वर्ल्ड का इनॉग्रेशन किया जाएगा, जो गुलबर्गा शहर में आज से पहले कभी नहीं हुआ है। और यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज, अमेंडमेंट एक्टिविटीज, इंडोर गेम्स, गो कार्ट्स और दीगर कई एक्टिविटीज आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। गुलबर्गा शहर में इस तरह के फन वर्ल्ड की जरूरत थी। फैमिलीज के अलावा स्कूल कॉलेज से पिकनिक के लिए भी शहर से काफी दूर जाना पड़ रहा था। याद रखें, एशियन फन वर्ल्ड में कोई एंट्री फीस नहीं है, आपको सिर्फ राइड्स के हिसाब से पैसा खर्च करना होगा। और यहां आपके लिए सेपरेट अलग अलग वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। इनॉग्रेशन से पहले इंजीनियर रफीउद्दीन ने प्रेस मीट कर तमाम डिटेल बताई है और कल 15 अगस्त के दिन आप तमाम से इनॉग्रेशन में शिरकत करने की गुजारिश की है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय श्री बसवेश्वर मेडिकल एंड जनरल स्टोर, प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट क्वालिटी एंड 100% जेन्युइन मेडिसिंस। 24/7 आवर्स मेडिकल इज ओपन एंड फ्री होम डिलीवरी आल्सो अवेलेबल। मेडिसिंस एट योर डोरस्टेप, अपोजिट बसवेश्वर हॉस्पिटल, सेधम रोड, कलबुर्गी। आप सबका एशियन फन वर्ल्ड में इस्तकबाल है। एशियन फन वर्ल्ड जो कि नॉर्थ कर्नाटक का पहला अम्यूजमेंट और वाटर पार्क है, उसका इनॉग्रेशन 15 अगस्त को शाम 7 बजे होने जा रहा है। इसका इफ्तिताह श्री प्रियांक खड़गे जी, ऑनरेबल मिनिस्टर पर पंचायत राज के हाथों अमल में आएगा। इस मौके पर हमारे इलाके के दीगर मिनिस्टर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और शहर के मौजूद हजरात कसीर तादाद में शरीक होंगे। इनॉग्रेशन सेरेमनी का हाईलाइट इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड फायर शो होगा, जो कि एक गुलबर्गा में पहला इवेंट ही होगा। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, एशियन बिल्डर शहर गुलबर्गा का एक जाना माना नाम है, जिसने बहुत सारे लैंडमार्क प्रोजेक्ट इस शहर को दिए हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये एशियन फन वर्ल्ड है। एशियन फन वर्ल्ड एक फन एंड एन्जॉयमेंट के लिए एक प्लेस है, जहाँ आपको बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़, अम्यूजमेंट एक्टिविटीज़, इंडोर गेम्स, गो कार्ट और बहुत सारे एक्टिविटीज मिलेंगी। इससे पहले अगर किसी को एक दिन लीजर फैमिली के साथ गुजारना होता तो हमको 200 किलोमीटर से ज़्यादा का ट्रैवल करना पड़ता था, या तो हैदराबाद जाएं या महाराष्ट्र जाएं। तो अब ये तमाम फैसिलिटीज़ हमारे शहर में ही मिलेंगी, जिससे आपके अखराजात में भी कमी है, वक्त भी काफ़ी सेव होगा। और एक खसूसी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि उमूमा जो अम्यूजमेंट पार्क में एंट्री फीस होती है, यहाँ पर हमने कोई एंट्री फीस नहीं रखा है। एंट्री मुकम्मल तौर पर फ्री है। आप जो राइड्स इस्तेमाल करेंगे उसी का आपको पेमेंट करना है। रिचार्ज कार्ड है, जिस जो कि 300 रुपये से शुरू होता है, आप चार्ज कीजिए और जो इस्तेमाल करना चाहते हैं एक्टिविटी वो इस्तेमाल कीजिए, फिर वो कार्ड आप दूसरी बार भी लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशी तौर पर हमारे स्कूल के बच्चे, जो आउटिंग के लिए बच्चे को लिया लेके गया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा वक्त ट्रैवलिंग में स्पेंड करना पड़ता था और बच्चे थक जाते थे और ज़्यादा कोई इन्जॉयमेंट नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर हमारा एशियन फन वर्ल्ड जो कि शहर से मुश्किल से 10 मिनट के फासले पर है, वहाँ पर बच्चे फुल डे एंजॉय कर सकेंगे एक्टिविटीज़। इसके अलावा फूड लवर्स के लिए बेहतरीन वेल डिज़ाइन रेस्टोरेंट्स हैं हमारे पास में, जो कि शहर ज़ाफरान रेस्टोरेंट, जो शहर की सबसे बड़े रेस्टोरेंट होगी, जहां पर 500 से ज़ायद आदमी एक साथ में सर्व को हम सर्व कर पाएंगे।
जिसमें इंडियन चाइनीज पिशावरी कुजीन सर्व किया जाएगा और बहुत सारे स्पेशलिटीज आइटम्स फूड फेस्टिवल वगैरह भी इसमें कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा मसाला चौक एक प्योरली वेज फूड कोर्ट है, ओपन फूड कोर्ट, जहां पर चाट्स स्नैक्स और दूसरे चीज़ें वहां पे अवेलेबल हैं। तो कुल मिला के ये एक पूरा आपको एंजॉयमेंट फूड, जिसका हमारा टैगलाइन ही है प्ले ईट एंड एंजॉय, तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और आप फैमिली के साथ में एक पूरा दिन गुजार सकते हैं। उमूमी तौर पर हम यहाँ पे ये हमारे कोई भी रिलेटिव्स या गेस्ट वगैरह बाहर से आते हैं तो हमारे गुलबर्गे में एंजॉयमेंट के लिए कहाँ जाना है लोगों के लिए एक एक, एक बड़ा मसला था, तो अब वो कहने के लिए नहीं रहेगा और आप किसी भी वक्त भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। एक मेट्रो स्टैंड सिटी स्टैंडर्ड का आपको यहाँ पर वाटर पार्क और अभी जो एक इमर्जिंग एक सेक्टर है अम्यूजमेंट में वो है एडवेंचर, जो कि यहाँ पे हमने किया है। आप एक टावर आपके बाजू में देख सकते हैं, इसके अंदर आठ एक्टिविटीज है जो ये आपको वॉल नजर आ रही है, ये दिस इज कॉल्ड क्लाइंबिंग वॉल। तो ये क्लाइंबिंग वॉल है, एक नेट वॉल है, देन एक टायर वॉल जो कि आप क्लाइंब कर सकते हैं फिजिकल, एक जिप लाइन है जो कि तकरीबन 400 फीट लॉन्ग जिप लाइन है, देन 200 फीट का हमारे पास जिप बाइक एंड स्काई रोलर है जो कि जमीन से 20 फीट आप जो है तार के ऊपर आप साइकिल चला सकते हैं, देन एक फ्री फॉल गेम है। तो इस टावर के अंदर में और रोप कोर्स है जो 2 लेवल का मल्टी लेवल रोप कोर्स है, इसमें काफी सारे ऑब्स्टेकल्स हैं उसको क्लियर करके एक साइड से जाकर दूसरी तरफ से आना है। तो ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, ये आपको अभी बड़ी शहरों में भी बहुत कम देखने में मिलेगा वो है। देन रॉकेट इजेक्टर है जो आपने देखा, जो जो है एक बार आपको खींच के जमीन में ऊपर, जमीन से ऊपर तकरीबन 30-35 फीट आपको ऊपर लेके जाएगा। देन बाकी प्लास्टिक जो अपने जाइंट व्हील है वो तो क्लासिक अम्यूजमेंट राइड्स है, वो तो हर अम्यूजमेंट पार्क का एक हिस्सा है।
वीडियो प्रेजेंटेड बाय श्री बसवेश्वर मेडिकल एंड जनरल स्टोर प्रोवाइडिंग द हाईएस्ट क्वालिटी एंड 100% जेन्युइन मेडिसिंस 24/7 आवर्स मेडिकल इज ओपन एंड फ्री होम डिलीवरी आल्सो अवेलेबल मेडिसिंस एट योर डोरस्टेप अपोजिट बसवेश्वर हॉस्पिटल सेधम रोड कलबुर्गी।